तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यूएई के विजिट का, जिस तरीके से उनको वहाँ पर रिसीव किया जा रहा है और जिस तरीके से रिसीव किया जा रहा है, ऑब्वियसली भारत में भी बहुत सारे लोगों की जलने वाली है, पाकिस्तान की तो जलेगी। पाकिस्तान में लोग यही बोलेंगे कि यार क्या हो रहा है ये। अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो स्पेशली इंडियन मुसलमानों ने क्रिएट की, जुबैर जो अभी अरेस्ट हुआ है उसके द्वारा क्रिएट की गई, पूरा वीडियो नहीं दिखाया, आधा दिखाया, जिससे कि मतलब लगे कि भाई बस एक ही तरफ किया जा रहा है कॉमेंट, दूसरी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद आपको पता है अरब कंट्रीज़ में कुवैत से क्या हुआ था हमारे साथ, किस तरीके की ट्वीट्स आए थे, और उसको मतलब उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भारत के मुसलमानों ने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बांग्लादेश पाकिस्तान के मुसलमानों ने, और अब इसके बाद ये स्वागत तो डेफिनेटली जलेगी। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बाद बात करते हैं कि कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स कहाँ जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ कॉमेंट में। अपनी नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुँच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं, और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है डिटर्मिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिजनेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे हैं 2030 तक, I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमीरातीज के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वे डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमीरातीज को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमीरातीज ने उसके ऊपर शर्त लगा दिया, वो कहते हैं ठीक है आप हमसे पैसा लेना चाहते हो ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10-12% शेयर उन्होंने अमीरातीज ने मांग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है, और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड है आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था, और फिर ये है कि अभी कुछ $2.3 बिलियन उन्होंने जो है हमें रिसेंटली बेचा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जारी बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा मांगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्जे मांगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भाई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाज़ा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही। हमें खित्ते में अपर हैंड तब मिलेगा जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी ये जो अमीरातीज ने प्रपोजल भेजा है ये बेसिकली इस तरह का प्रपोजल उन्होंने इजिप्ट को भी एक भेजा था, और उन्होंने इस पर मेरा ख्याल है जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उसमें कोई $2 अरब का इन्वेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि वो अरबी हैं आपस में सऊदीज के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बीच में इसराइल फैक्टर भी है, अमेरिका फैक्टर भी है, जो कि इसराइल और अमेरिकन इजिप्ट को सपोर्ट करते हैं, आपको पता है वहाँ पे एक और किस्म की, सो दैट सऊदीज चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को वहाँ दबाया जाए, और ये एक प्रोग्रेसिव या इस तरह की जो डिक्टेटर है जिस तरह सीसी जो है वो आए तो उनको सपोर्ट किया जाए। खैर एनी वो एक डिफरेंट केस है। अब यहाँ पे ये है कि अब यूएई कह रहा है कि हम पैसा लगाते हैं लेकिन आप जो है वो सबसे पहले हमें वो दें, हमें शेयर्स दें। अब यूएई की जो सॉवरन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, और कुछ ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम पाकिस्तान में पैसा, इसी तरह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है वो कहते हैं जी हम ठीक है पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं वो, लेकिन उसके लिए लेकिन हमें पता तो चले कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 27 ट्रिलियन रुपीज चाहिए
किस चीज के लिए? बिकॉज हमें कर्जे वापस करने हैं, हमें मुल्क चलाना है, हमें अपना निजाम चलाना है, और ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक्सपेंडिचर्स नेशनल असेंबली में पेश कर दी है कि भाई 27 ट्रिलियन का बंदोबस्त कर लो वरना मुल्क कलेप्स कर जाएगा। पैसा तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पैसा पैदा नहीं हो रहा। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। पैसा अरेंज करना, मुल्कों को तो लोग कर्जे दे देते हैं बिकॉज दिस इज अ कंट्री, वहां और यहाँ से बहुत कुछ वो ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके अगेंस्ट हमें फिर मिलेगा कुछ नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया आज, 107 मिलियन डॉलर की डेट सस्पेंशन का, 107 मिलियन डॉलर की डेट सस्पेंशन का। और पाकिस्तान और फ्रांस जो है इससे पहले, और ये जो वायदा बेसिकली इन्होंने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है उसके तहत किया है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन किया, और कुछ अर्सा पहले, साल 2 साल पहले चले जाएं तो यहाँ पे पाकिस्तान ने फ्रांस को यहाँ पे गालियां दी जाती थी, उनको कहा जाता था इनके सफीर को यहाँ से निकाल दो, और उनके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क बन चुका था। और लेकिन आज आकर में पता चला है कि सानू तो उन्होंने को असा तो उन्होंने को कर्जे लेने पड़े, और हमें तो वो जो है वो ये जो कर्जे लिए हैं इसके रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। पता चला हम दे तो नहीं सकते, फिर हम ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कि हमारे कर्जे सस्पेंड कर दें। अब वो इससे पहले हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और एग्रीमेंट भी फ्रांस के साथ किया हुआ जिसमें 261 मिलियन डॉलर जो सस्पेंड हुए हुए हैं। अब ये जो पैसा है ये बहुत बड़ा पैसा है, इसको हमने कैसे देना है कैसे नहीं देना, जिसमें कुछ पैसा सस्पेंड होता है कुछ रीशेड्यूल हुआ है, और ये उसी जो फ्रेमवर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, उसके तहत ये रीशेड्यूल भी हुआ है और सस्पेंड भी हुआ है। अब पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमें हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम गालियां दें, हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बने बने और मुस्लिम उम्मा के लीडर, मुस्लिम उम्मा के साथ तो दोस्ती इंडिया की है। आप नूपुर शर्मा के वाकये के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी बहस शुरू हो गई, उन्होंने कहा जनाब इतने से तो देखें ताल्लुकात खराब हो गए, और वो देखें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो खुद उनको एयरपोर्ट पे लेने के, वो इसलिए नहीं लेने आए कि उन्होंने वो इसलिए लेने आए हैं उनको बिकॉज उनको पता है इनके पास इज अ मैन विद अपॉर्चुनिटी। अगर जब MBZ जाते हैं तो इंडिया, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कमर चीमा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से मजहब मजहब कर करके पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, मजहब के नाम पे बना है, मजहब ही करेगा, जो उसको आता है वही करेगा। भारत के साथ सीन ये हुआ है कि भारत के मुस्लिम चाहते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट अरब कंट्रीज़ में बैन हो। इन्होंने यहाँ से इतनी ज़्यादा कैंपेनिंग की थी, जितने लोग ट्विटर पर हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वो एक सैम्पल साइज़ होता है जिससे आप बहुत बड़े लोगों की सोच समझ सकते हो, तो आप समझ सकते हो ये लोग चाहते हैं। जुबैर की वजह से ये पूरी जो नूपुर शर्मा कॉन्ट्रोवर्सी थी, इसमें मतलब इसने एक छोटा वीडियो दिखाया, बड़ा वीडियो नहीं दिखाया। बड़ा वीडियो मतलब जिसमें जो रहमानी था वो प्रवोक कर रहा था, बार बार शिवलिंग को क्या बोल रहा था आप देख सकते हो वीडियो में जाकर। उसके बाद नूपुर शर्मा ने जो बोला वो भी कोई गलत नहीं बोला, वो भी जो लिखा हुआ है वही बोला। पाकिस्तान मौलाना का मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसने क्लियर बोल दिया कि नूपुर शर्मा गलत नहीं है, सामने वाला बंदा जो मुस्लिम है वो गलत है। तो आप समझ सकते हो ये जुबैर जो अभी अरेस्ट है, हालांकि वो छूट जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जो केस है वो स्ट्रांग नहीं है, और तो भारत के सबसे महंगे वकील कर लिए उसने, तो आप समझ सकते हो कितनी स्ट्रांग लॉबी है ये। और भारत का कानून आपको भी पता है कितना अच्छा है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। अभी आपने देखा उदयपुर में क्या हुआ, उदयपुर में जो कुछ हुआ उसके पीछे भी मैं जुबैर को ही मानता हूँ। जिस तरीके से उसने मतलब ये आग लगाई है, तो उसमें जो पागल लोग हैं जिनके दिमाग में बस सर तन से जुदा के अलावा कुछ है नहीं, तो वो पागल होकर उन्होंने क्या कर दिया। अब इन पागल लोगों का क्या इलाज है, या तो एक तो सेम टू सेम आप करने लगो, या दूसरा तरीका इतना बड़ा तो हम बड़े स्तर पर सेम टू सेम हो ही नहीं सकता है, और ये कर भी नहीं सकते हो आप, गलत है ये। तो सबसे सिंपल तरीका आप एक गांधी जी वाला स्टाइल है, प्रॉपर तरीके से सत्याग्रह करो, इनके दुकानों के सामने किस तरीके से इनका सामान बायकॉट करो। मैं खुलेआम कह रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो देखने के बाद मैं पागल हो गया कि यार ये हुआ क्या है। आप सोचो आपको नहीं लेना है सामान, और बताओ उनको कि हम आपके सामने से सामान नहीं ले रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि भाई आप इन लोगों के विरोध में खड़े हो, आपके कम्युनिटी के हैं ये लोग, इन लोगों के विरोध में आप खड़े हो, कुछ बोलो ताकि ये लोग ऐसा ना करें। और ये मैं एक दो लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अगर बहुत सारे लोग ऐसा करने लगेंगे तो ऑब्वियसली कुछ रिजल्ट मिलेगा। और क्या कर सकते हैं प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि वीडियो डिफरेंट टॉपिक पर था, डिफरेंट चला गया, प्लीज़।